वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से जो चैप्टर नंबर 6 है पोएट्स एंड पैनकेक्स, आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो चिल्ड्रन यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है, जो लोग मेकअप रूम में आते थे उनको किस चीज का सामना करना पड़ता था। भाई आपने देखा होगा या टीवी वगैरह में देखा होगा, जब एक्टर एक्ट्रेसेस के सामने बैठते तो यहाँ बहुत सारी लाइट्स लगी रहती हैं मेकअप रूम में, तो इस लाइट्स की वजह से बहुत ज्यादा हीट यानी कि गर्मी निकलती है जिससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो इसी बात को वो फायरी मिजरी बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे, इन द मेकअप रूम देयर यूज टू बी लॉट्स ऑफ लाइट्स, बहुत सारी लाइट्स होती थी मेकअप रूम में, विच प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, जिसकी वजह से बहुत सारी गर्मी निकलती थी, विच ट्रबल द एक्टर्स इन द मेकअप रूम, और जिसकी वजह से जो एक्टर्स होते थे जिनका मेकअप होता था उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट ऑथर रेफर्स टू। नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है? यूनिटी, पूरे लोगों में सब लोग मिलजुल के रहे। तो वो बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियोज में हर अलग अलग तबके का लोग था, अलग अलग जगह से रहने वाले लोग थे, लेकिन सारे मिलजुल के रहते थे, प्यार से रहते थे, इसी बात को वो नेशनल इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड रिलीजन, है ना, अलग अलग जगहों से और अलग अलग धर्मों के लोग थे जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे विदाउट एनी कंफ्लिक्ट, मतलब बिना किसी लड़ाई झगड़े के। दैट इज वाई, इसीलिए ऑथर कॉल्स इट नेशनल इंटीग्रेशन, इसीलिए ऑथर इसको नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियोज में जो ऑफिस बॉय था वो क्या काम करता था, क्यों उसने ज्वाइन किया था, व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, और वो डिसअपॉइंटेड क्यों हुआ। जो ऑफिस बॉय था वो यूजली मेकअप आर्टिस्ट था और मेकअप करता था, उसने ज्वाइन इसलिए किया था कि एक दिन बड़ा स्टार बन जाऊंगा, कोई डायरेक्टर बन जाऊंगा, और वो डिसअपॉइंटेड इसलिए था क्योंकि वो उसने मेकअप से स्टार्ट किया था और वो मेकअप बॉय का मेकअप बॉय ही रह गया, उसकी कोई तरक्की नहीं हुई। द मेकअप बॉय यूज टू अप्लाई मेकअप ऑन द फेसेस ऑफ द एक्टर्स फॉर शूटिंग। जो भी एक्टर शूटिंग के लिए जाते थे उनके ऊपर वो अब मेकअप अप्लाई करता था। ही हैड जॉइन द स्टूडियोज इन द होप दैट ही वुड बिकम अ बिग स्टार वन डे। उसने इस उम्मीद में स्टूडियो को ज्वाइन किया था कि एक दिन यार चलो बड़ा स्टार बनने का मौका मिलेगा। He was disappointed because he never became a big star. और वो इसलिए निराश था क्योंकि वो कभी भी बड़ा स्टार नहीं बन पाया। Children, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन बढ़ता है। मैं तीन तक काउंट करूंगा, 1, 2, 3। आई होप मेरे भाई आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक से एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू चिल्ड्रन। Why did author appear to be doing nothing at the studios? अब जो author है इस chapter के, दूसरे लोग ये क्यों समझते थे कि इन पे तो कोई काम नहीं, क्योंकि author का केवल एक ही काम था, newspaper की जो cuttings होती थी उनको काट काट के रखना, जो relevant data था, और उनको file में लगाना। तो लोगों को लगता था भाई इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, बस ये क्या कोई काम है। The author's duty was to cut out newspaper clippings and store them in a file. Author का काम था newspaper की cuttings को, clippings को फाड़ना और files में लगाना। Other people in the studios did not consider this work much important. और दूसरे लोगों को ये कोई खास काम नहीं लगता था। Therefore, the author, इसलिए, अब यहाँ पे ये वाली line पूरी मैंने question से उतारी है। Author appeared to be doing nothing in the studios. दूसरे लोगों को लगता था भाई इनका तो कोई काम है ही नहीं। Next question देखो, Why was the office boy frustrated? अगर हम देखें तो अभी हमने ये वाला already question कर लिया है, क्योंकि office boy makeup वो एक बड़ा star बनना चाहता था और वो बड़ा star नहीं बनवाया, इसलिए वो frustrated रहता था। The office boy had joined the studios in a hope that he would become a big star one day. एक दिन बड़ा star बनूंगा। He was disappointed because he never became a big star. और वो कभी भी बड़ा star नहीं बन पाया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा frustrated रहता था। Who did he show his anger on? उसने अपना गुस्सा किस पे निकाला? He showed his anger on Court Mangalam Subbu. उन्होंने अपना गुस्सा मेकअप बॉय ने किसके ऊपर निकाला? Court Mangalam Subbu के ऊपर। Who was Subbu's principal? Subbu के principal कौन थे? Mr. S.S. Vasan. जो S.S. Vasan थे, वो Subbu के principal थे। Next,
सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मेनी साइडेड जीनियस, लिस्ट फोर ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज। जो सुब्बू है उनको जीनियस कहा जा रहा है, तो किस बेस पे उनको जीनियस कहा जा रहा है, क्या क्या उनकी क्वालिटीज है। नंबर वन, ही वॉज वेरी चीयरफुल एट ऑल टाइम्स। भाई चाहे दुख का टाइम हो, सुख का टाइम हो, सफलता मिले असफलता मिले, वो भाई हमेशा चीयरफुल यानी खुश रहते थे। ही वॉज हेल्पिंग हैंड फॉर एवरी वन इन द स्टूडियोज। स्टूडियो में किसी को किसी भी चीज की हेल्प करती थी, वो हर चीज में सबकी हेल्प करते थे, यहाँ तक कि ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, और एक्टिंग में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। ही हैड अ लविंग नेचर, सबको प्यार कर देने वाला उनका एक नेचर था। वाई वॉज द लीगल एडवाइजर रेफर्ड एज द अपोजिट बाई अदर्स। सब लोग लीगल एडवाइजर यानी कि लॉयर यानी कि वकील को अपोजिट क्यों कहते थे। द करियर ऑफ यंग एक्ट्रेस हैड कम टू एन एंड बिकॉज ऑफ द लीगल एडवाइजर। एक बार उस लीगल एडवाइजर की गलती की वजह से एक यंग लेडी का जो एक्टिंग का करियर है वो खत्म हो गया था, इसीलिए सब लोग therefore he was referred as the opposite by others। सब लोग उसको opposite opposite कहके चलते थे। What made the lawyer stand out from the others at the Gemini Studios? जो लॉयर था दूसरे लोगों से अलग क्यों लगता था स्टूडियोज में? ऐसा था, जो लॉयर था वो तो पहनता था पैंट शर्ट सूट टाई वगैरह, और जो दूसरे लोग थे वो पहनते थे धोती और कुर्ता, तो इसीलिए जैमिनी स्टूडियोज में वो सबसे अलग लगता था और सारे लोग बिल्कुल अलग लगते थे। तो देखो, एवरीवन वोर धोती कुर्ता व्हाइल द लॉयर वोर पैंट शर्ट टाई एंड कोट। सब लोग तो धोती कुर्ता पहनते थे इनकी तरह, लेकिन वो पहनते थे टाई पैंट शर्ट कोट। दिस मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स इन द जैमिनी स्टूडियो। इसी वजह से वो जैमिनी स्टूडियोज में सबसे ज्यादा अलग वो लगते थे। Did the people at Gemini Studios have any particular political affiliations? क्या जो लोग थे Gemini Studios की उनका कोई political, मतलब जैसे कोई बीजेपी के लिए कोई कांग्रेस के लिए कोई ऐसा affiliation था? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा कोई particular उनकी कोई पार्टी वर्टी नहीं थी, उनको कहीं ऐसा कुछ नहीं था, प्रायोरिटी नहीं थी, बस वो सब गांधी जी के फॉलोअर थे, गांधी जी के जो प्रिंसिपल थे उनमें विश्वास रखते थे, और गांधी जी की तरह सब लोग क्या पहनते थे, खादी पहनते थे। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। द पीपल एट जैमिनी स्टूडियोज हैड नो पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन। कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं था, दे वर ओनली फॉलोअर ऑफ गांधी जी, बस वो गांधी जी के फॉलोअर थे एंड वोर खादी, और खादी पहना करते थे। वाई वॉज द मॉरल रियरमेंट आर्मी वेलकम्ड एट द स्टूडियो। MRA, इसकी शॉर्ट फॉर्म MRA है, जो MRA एसोसिएशन है उसका वेलकम क्यों हुआ था जैमिनी स्टूडियोज में। द मॉरल रियरमेंट आर्मी वॉज वेलकम्ड एट द स्टूडियोज बिकॉज, इसलिए वेलकम हुआ था क्योंकि द मॉरल रियरमेंट आर्मी एंड द पीपल इन द स्टूडियोज बोथ वर एंटी कम्युनिस्ट। यार आपने कहावत सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि जैसे जैसे हम हैं, अगर हमको कोई ऐसा ही दूसरा पर्सन मिलता है तो हम हमारी उससे बातें मिलती हैं, वो हमारा दोस्त मिलता है। तो जो मॉरल रियरमेंट आर्मी एसोसिएशन थी MRA और जो स्टूडियोज के जो लोग थे जैमिनी स्टूडियोज के, दोनों ही एंटी कम्युनिस्ट थे, मतलब कम्युनिज्म के खिलाफ थे, तो इसीलिए भाई इस पार्टी का स्वागत हुआ कहाँ पे, जैमिनी स्टूडियोज में। Name one example to show that Gemini Studio was influenced by the plays staged by the MRA. एक ऐसा example दो जिससे पता चलता हो कि जो Gemini Studio है वो influenced था MRA के plays से। ठीक है, अभी हमने पढ़ा MRA क्या है, तो इस बात को मैं समझाऊंगा इस तरह से। जैसे हॉलीवुड में एक मूवी आई टॉम हैंक्स, जो फॉरेस्ट गम, ठीक है, तो ये मूवी बहुत शानदार रही, बहुत सुपर हिट भी रही, तो इसी का बॉलीवुड ने एक रीमेक वर्जन बनाया लाल सिंह चड्ढा, जो कि यहाँ पे आके फ्लॉप रही। ऐसे ही MRA के जो प्लेस थे वो इतने ज्यादा सुपर हिट हुए कि हमारे जो जैमिनी स्टूडियोज ने जब अपने प्ले निकाले तो उन्होंने कुछ सीन वो ही रखे जो बिल्कुल MRA के सीन में था। तो इस वाली बात से हमको ये पता चलता है कि जो जैमिनी स्टूडियोज के जो लोग थे वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस थे। देखो आंसर, Gemini Studio was influenced by the plays staged by MRA. ये पूरा मैंने question से ही उतारा है। Because for a few years, कई सालों तक, all Tamil plays featured sunrise and sunset scenario in the style of Jotham Valley. Jotham Valley क्या है? Play है MRA वालों का। तो जिस तरह से उस play के अंदर sunrise, सूरज का उगना और सूरज का छिपना दिखाया गया है, बिल्कुल उसी तरह से
जेमिनाई स्टूडियोज वालों ने अपने तमिल प्लेज में उसी तरह से सेम डिटो सनराइज और सनसेट दिखाया। हु वॉज द बॉस ऑफ जेमिनाई स्टूडियो का बॉस कौन था? जेमिनाई स्टूडियो बॉस वॉज मिस्टर एस एस वासन। वॉट कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिशमैन एंड द पीपल एट जेमिनाई स्टूडियो? अब जेमिनाई स्टूडियो में एक बार जो अंग्रेज आया उसके बीच में और लोगों के बीच में जो वहां काम करते थे, कम्युनिकेशन गैप क्यों रह गया, क्यों ठीक से बातचीत नहीं हो पाई? अब भैया उसकी बात ये थी कि जो इंग्लिश मैन था वो तो पूरी बात इंग्लिश में करता था, उसने जो स्पीच दी वो इंग्लिश में दी, हमारे जो लोग थे वो देसी लोग थे, वो तमिल लैंग्वेज बात करते थे, अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते थे, इसीलिए उसने जो कुछ कहा वो इनको कुछ किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आया। मोस्ट ऑफ द पीपल इन जेमिनाई स्टूडियो स्पोक तमिल एंड द इंग्लिश एंड द इंग्लिश मैन स्पोक ओनली इंग्लिश। ज्यादातर लोग जो थे जेमिनाई स्टूडियोज में वो क्या बात, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? वो तो बोलते थे तमिल, और इंग्लिश मैन जो आए, अंग्रेज भाई साहब जो आए, उन्होंने केवल इंग्लिश बोली। दिस कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इसी वजह से कम्युनिकेशन हो नहीं पाया बिटवीन द इंग्लिश मैन एंड द पीपल एट द जेमिनाई स्टूडियो। उनको समझ ही नहीं आया कि भाई अगला क्या क्या रहा है। वाई इज द इंग्लिश मैन विजिट रेफर्ड टू एज द अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री? इंग्लिश मैन जो अंग्रेज आया उसका जो विजिट है वो अनएक्सप्लेन मिस्ट्री क्यों रह गया? अभी हमने बताया क्योंकि उसने जो कुछ भी बात कही वो किसी को पल्ले नहीं पड़ी, किसी को समझ ही नहीं आया। द इंग्लिश मैन विजिट इज रेफर टू एज अनएक्सप्लेन मिस्ट्री बिकॉज ही गेव स्पीच इन इंग्लिश, क्योंकि उसने पूरा स्पीच इंग्लिश में दिया था एंड नो वन अंडरस्टूड इट, किसी ने समझा ही नहीं, किसी को समझ ही नहीं आया। हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो? इंग्लिश विजिटर जो स्टूडियोज में आया था उसका नाम क्या था? स्टीफन स्पेंडर, एन इंग्लिश मैन वॉज द इंग्लिश, वो था विजिटर। नेक्स्ट, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वॉज? ऑथर को किस तरह से पता चला कि वो जो इंग्लिश मैन आया था, अंग्रेज आया था स्टूडियो को, कौन था? ऑथर वेंट टू ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, एक बार ऑथर ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गए एंड देयर ही केम टू नो, वहां उनको पता चला कि भाई वो जो इंग्लिश विजिटर जो आया था स्टूडियो में उनका नाम स्टीफन स्पेंडर है। नेक्स्ट, व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर्स टू? द गॉड दैट फेल्ड रेफर्स टू क्या है? द गॉड दैट फेल्ड वॉज अ ग्रुप ऑफ सिक्स एसेज, यानी कि छह अलग अलग कंपोजिशन है, एसेज है, ठीक है, उनका ग्रुप है, रिटन बाय सिक्स डिफरेंट राइटर्स, यानी कि एक तरह से छोटी सी बुक है जिसमें छह अलग अलग ऐसे लिखे हैं और जिनको छह अलग अलग राइटर्स ने लिखा है। इन दीज ऐसे ऑल द रेस्पेक्टिव राइटर्स रॉट अबाउट देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म एंड देयर रिटर्न, और इन सभी राइटर्स ने ये लिखा है कि स्टार्टिंग में हम कम्युनिज्म से कितना ज्यादा अफेक्टेड थे, इन्फ्लुएंस थे, हम कम्युनिज्म की रास्ते पे चलने लगे, लेकिन बाद में जो कम्युनिज्म है वो हमको खराब लगा, बेकार लगा और हम अपने पुराने रास्ते पर ही वापस आ गए। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर दे सकते हैं। लीगल एडवाइजर इज अ, लीगल एडवाइजर कौन होता है? पुलिसमैन होता है, लॉयर होता है, डॉक्टर होता है या कोई नहीं? सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।